आखिरकार अब उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मोहर लग गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया और इसी के साथ ही साफ हो गया है कि कांग्रेस यूपी में 105 और एसपी 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का ऐलान करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए दोनों दल एक साथ आए हैं और इसी के साथ ही अब पिछले कुछ दिनों से जारी रस्साकशी खत्म हो गई है और दोनों ही पार्टियां मिलकर विधानसभा चुनाव में उतर रही हैं। आपको बता दें कि कई दौर की चली मीटिंग और माथापच्ची के बाद यह फैसला हुआ है। कल तक सस्पेंस बना हुआ था कि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होगा भी या नहीं, क्योंकि एसपी नेता नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा की तरफ से ऐसे बयान सामने आए थे कि अखिलेश ने कांग्रेस को 100 सीटों का ऑफर दिया है लेकिन कांग्रेस 120 सीटों पर अड़ी हुई है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जिद की वजह से गठबंधन नहीं हो पाएगा। इस बीच बात बिगड़ती देख खुद प्रियंका गांधी और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मामले में दखल दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों के बीच कांग्रेस को 105 सीटें देने के फॉर्मूले पर सहमति बनी। अब आपको बताते हैं कि गठबंधन से दोनों को क्या फायदा होगा। सपा और बसपा से पहले मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलता रहा है, ऐसे में गठबंधन से यादव मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और इससे मुस्लिम वोटरों का असमंजस खत्म होगा और उसे बीजेपी के खिलाफ अपने दो पसंदीदा दलों का विकल्प मिलेगा। वहीं मायावती मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने की लगातार कोशिश कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने 403 में से 97 सीटों पर मुसलमान प्रत्याशियों को उतारा है। इस समय यूपी में 19% मुस्लिम है। यादव, ग्वाला और अहीर मिलकर 19.40% बताए गए हैं। ये दोनों वोट अगर एकजुट हो जाएं तो फिर सपा कांग्रेस भाजपा को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। इससे पहले साल 2012 में सपा ने 29.13% वोट पाकर सरकार बनाई थी। तो अब आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। अखिलेश यादव दावा करते आए हैं कि दोनों पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़े तो ये गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। ऐसे में अब गठबंधन हो गया है और अखिलेश के ये दावे कितने सही साबित होते हैं ये चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।